नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। रत्न शिखा टाइम्स देश के किसानों की आवाज। औरैया जनपद के जमोली गांव में है और ये ब्रह्मदेव बाबा का प्रांगण है जहां पर इस समय हम खड़े हुए हैं। देव दिवाली के दिन यहां पर हजारों दीपक जलाए गए थे। आज हम यहाँ पर बाबा ब्रह्मदेव की क्या महिमा है इसके संबंध में लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ के पुजारी से बात करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर बाबा ब्रह्मदेव की महिमा क्या है, बाबा ब्रह्मदेव को क्यों पूजते हैं, बाबा ब्रह्मदेव के ऊपर कौन सा प्रसाद चढ़ता है, भक्त कहाँ कहाँ से आते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो भक्त यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं। हमारे साथ भगवान ब्रह्मदेव जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक अजय तिवारी जी हैं। अजय तिवारी जी को आप पिछले एपिसोड्स में भी देख चुके हैं और आपके पिताजी बाबूराम तिवारी यहाँ के संस्थापक सदस्य थे और काफी समय से यहाँ संस्था से जुड़े हुए हैं, यहाँ के इस प्रक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बाबा की महिमा की, बाबा ब्रह्मदेव की क्या महिमा है और बाबा ब्रह्मदेव के स्थान को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है तो क्या परिणाम उसको भुगतना पड़ा है। बहुत पुरानी बात है, हमारे यहाँ गांव में जो पुरखों ने इस चीज को बताया कि हमारे यहाँ एक श्रीवास्तव जी थे, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनकी शादी कहीं से तय हो गई तो गांव में जब वो निकरौसी होती है तो ये कहा कि बाबा ब्रह्मदेव से जाओ और वहाँ पर बीरा बतासा चढ़ाने के बाद बाबा को बीरा बतासा भेंट करो और उनसे कहो कि बाबा हमारी शादी हम सही सलामत और यहाँ घर वापसी हो जाए हमारी और बहुएं बहू लेकर के आए। तो उन्होंने बाबा को बाबा की सत्यता जानने के लिए वो यहाँ पर आए, उन्होंने बीरा बतासा चढ़ाया और उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा जैसे हम बारात में जा रहे हैं वैसे ही हम अकेले ही वापस आए। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि जैसे हम जा रहे हैं वैसे ही हम वापस आए। तो ऐसे ही हुआ, बारात वहाँ गई और जाने के बाद वहाँ पर संबंध नहीं हुआ और वो वैसे ही खाली वापस आ गए गांव में। फिर उनकी दोबारा शादी हुई, आज तो इस दुनिया में नहीं है वे, जो है इतनी पुरानी बात है, हमने पुरखों से ये बात सुनी। जैसा कि अभी अजय तिवारी जी ने बताया कि यहाँ पर एक इस गांव के पूर्व प्रधान थे, उनका नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था और उन्होंने बाबा को आजमाने की कोशिश करी और यहाँ पर आए, बाबा को बीरा चढ़ाया और बोले कि हम जैसे जा रहे हैं अकेले वैसे ही वापस आए। और जब उस बारात लेके गए वहां से तो बिना बिना दुल्हन के वो वापस आए। तो इस तरह की एक कहानी है और जानते हैं और क्या किस्से हैं बाबा के। बाबा हमारे यहाँ ये बाबा ब्रह्मदेव हम लोगों के तो ग्राम देवता हैं, हम लोग गांव के हैं और हम लोग जितने भी त्योहार होते हैं हम बाबा को पूजते हैं अपने घर में या उनके स्थान तक आकर के बाबा को मतलब चढ़ाते हैं। बीरा बतासा के अलावा जैसे जो हमारे यहाँ पकवान मिष्ठान जो कुछ बनता, अभी दीपावली थी तो यहाँ पर लोग बाग दिए जलाने आए थे, सबके घर से एक एक दो दो चार चार छः छः दिए जलने के लिए आए थे। बाबा की महत्ता तो बहुत बड़ी है। अब ये चैत में जो चैत्र पूर्णिमा को जो मेला लगता है उस मेले में हमारे यहाँ जो लेडीजें अपनी मतलब जो है ईंट चढ़ा गईं, हमारे बच्चा नहीं हो रहा है और हमारी भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करे तो हम चरुआ चढ़ाएंगे, बच्चा को लेकर के आएंगे चरुआ चढ़ाएंगे आ करके। तो यहाँ पर ऐसी प्रथा है, हमने तो ये देखा है कि पूर्णिमा के दिन और परवा के दिन कम से कम एक ट्रॉली चरुआ चढ़ते हैं तो बाबा उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हमारे यहाँ मतलब बारहों पूनो यहाँ पर भीड़ लगी रहती है और पूर्णिमा के दिन तो हर पूर्णिमा को बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं और बाबा से अपनी मनौती करते हैं और अपने मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं बाबा से। और बाबा हमारे यहाँ मतलब ब्रह्मदेव बाबा सबकी मनोकामना को सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे अभी हमारे
पड़ोसी नंद किशोर जी ने बताया कि हमारे यहाँ काफी बच्चे लग गए हैं, बच्चे भी आते हैं और वो भी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरे लोग परीक्षा देने जाते हैं, अपने रोल नंबर लिख जाते हैं, मेरी लेडीजें आती हैं हमारे यहाँ। अब ये देखिए ब्रह्मदेव के स्थान पर कितनी लेडीजें यहाँ पर दर्शन करने के लिए बाबा के दरबार में आई हैं और अपनी मनोकामना बाबा से मानती हैं और बाबा उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं।